हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जिनका कल ESIC UDC का एग्जाम था 28 अगस्त को, तो रिजल्ट का आप सभी अब वेट कर रहे हैं क्योंकि कल आपने एग्जाम दे दिया। अब सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है रिजल्ट की और आगे के प्रोसीजर की, तो यहाँ पर रिजल्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही किस तरीके से आगे का प्रोसीजर रहेगा। लेकिन उसके पहले आप अपना रिव्यू कल के एग्जाम का जरूर दें कि आपको क्या डिफिकल्टी महसूस हुई MS वर्ल्ड एक्सेल या एग्जाम सेंटर के बारे में, कि वहां पर कीबोर्ड सही नहीं था। जो भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कल फेस हुई वो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही आपका क्या रिव्यू रहा कि पेपर किस तरीके से आया था, पेपर मॉडरेट था, क्योंकि उसमें सिर्फ MS वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आपके आते हैं, तो टफ चीजें पूछी गई थी या आसान चीजें थी, ठीक है। तो ये भी आप जरूर दें जिससे नेक्स्ट जो भी ESIC UDC का जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसमें स्टूडेंट्स को मैं कन्वे कर सकूंगा, क्योंकि ये चीजें मैं एक जगह नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है। अब यहां पे फटाफट से बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो ESIC UDC का रिजल्ट आप सभी का अगर हम बात करें तो वो आपका 15 से लगभग 18 तारीख के बीच में आप सभी का आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ESIC ने बताया हुआ है कि 22 सितंबर के पहले पहले आपका ये जो प्रोसीजर है ESIC UDC के फाइनल रिजल्ट का, वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मिनिमम जो लास्ट वीक जो आपका पड़ता है 22 सितंबर वाला वीक आपको पड़ता है, उसी वीक में आप सभी का आएगा। अब आप सभी पूछ रहे होंगे कि सर इतना डिले क्यों होगा, तो डिले इस वजह से होगा क्योंकि आपने जिस रीजन में फॉर्म भरा उस रीजन में आपका CST हुआ है, तो वहां से आपकी जो कॉपी है वो चेक की जाएगी। फिर इसके बाद हर अलग अलग रीजन आप सभी का लिस्ट बनाएगा, क्योंकि ESIC हेडक्वार्टर क्या करता है कि आपको बता देता है कि भैया इस डेट को 28 अगस्त को ये कराना है, वो करा दिया। उसके बाद वो एक डेडलाइन फिक्स कर देता है कि भैया इस डेट के पहले पहले आप रिजल्ट को प्रिपेयर करके लिस्ट जो है वो मेरे पास भेज दीजिए, जिससे मैं जो ESIC की वेबसाइट है ESIC.NIC.IN उसमें मैं रीजन वाइज जो है वो अपलोड कर दूंगा। साथ ही कट ऑफ क्या रहेगी वो भी आप कहने के उसका भी पूरा लिस्ट प्रिपेयर करके आप मेरे को भेज दीजिएगा। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन वाइज आप सभी की लिस्ट जाएगी, तो अलग अलग रीजन वाइज आपका मिनिमम लगभग 10 से 12 के आसपास कहने की डेट दी होगी। फिर वो अपलोड जब करेंगे तो एक दो दिन का वहां पर कहने का टाइम जो है वो आप सभी का लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट का प्रोसीजर रहेगा। इसमें कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो CST में भी आए भी नहीं होंगे, ठीक है, दिया भी नहीं होगा, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने जो ESIC UDC के CST में क्वालिफाई भी ना हो, तो कहीं ना कहीं बहुत पॉसिबिलिटी आप सभी की बनती है। ऐसे में आप सभी कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे होगे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मिनिमम अभी आपको लगभग 20 दिन का वेट करना पड़ेगा। 20 दिन बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आप में से कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और कितने का नहीं हुआ है। ऐसे में आप सभी कैंडिडेट्स बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए अभी प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि अभी क्यूरियोसिटी इतनी है तो कहीं ना कहीं आप सभी को प्रिपरेशन में मन भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप प्रिपरेशन करते रहो। बाकी आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड आप सभी को सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि MTS की फाइनली ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो UDC में किस किस तरीके से भी रहेगा वो भी मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा।